अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बिगनर्स लंच बॉक्स। और आज आपके साथ लौकी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हमारा कौमी गोश्त का सालन जो है वो आलू गोश्त है, लेकिन दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की है लौकी गोश्त ने, तो रेसिपी शेयर करते हैं। सिंपल रेसिपी है ये। हम अदरक लहसुन का पेस्ट है, हमने थोड़ा कूट कूट के पीसा है, यानी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा हुआ है, थोड़ा सॉलिड है और पानी ज़्यादा रखा हुआ है। ये 3 अदद टमाटर है, इसको हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। 2 मीडियम प्याज है, उसको ऐसे आप काट लें जैसे दिखा रही हूँ मैं। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। 1 किलो मटन है, धो के उसको मैंने छान लिया है अच्छे से। और यह हरा धनिया नज़र आ रहा है, गार्निशिंग का आइटम है, देखते जाएं। और ये जनाब 1/2 किलो के करीब ये लौकी है, काट के इस शेप में तो मैंने पानी में डिप किया हुआ। ये छिला हुआ अदरक है और थोड़ा सा गर्म मसाला है। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2-3 दालचीनी और 2-3 लौंगे हैं। ये गरम मसाला पाउडर है, इसको मैंने खोल के इसलिए नहीं रखा कि मैं इसकी जो फ्रेश मैं कूटती हूँ, जैसे आपने देखा है मैंने आपके साथ गरम मसाला पाउडर की रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो उसकी फ्रेगनेंस उड़ जाती है, तो वो डब्बे में ही है। 1/2 कप आपका तेल जाएगा, हमने एवा यूज़ किया है, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर लें। दोबारा सारे इंग्रेडिएंट देख लें, ठीक है। अच्छा, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत बारीक नहीं ग्राइंड करती हूँ, थोड़ा सॉलिड रहता है। ठीक है जी, ये वो सारे इंग्रेडिएंट आपने देख लिए, गरम मसाला पाउडर है। अब ये देखची है, जी हाँ ये देखची ही है, तो उसको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल फोकस हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तेल जाने के साथ ही, जैसे ही ये तेल थोड़ा सा गर्म होगा, तो इसमें हमने गर्म मसाले अपने डाल देने हैं। 2 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, 2 अदद लौंगे हैं जनाब, इतना ही। और हाँ, छोटी इलायची है, इतना ही गरम मसाला जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें हमने प्याज डाल देनी है और अच्छे से इसको सुनहरा करना, लेकिन याद रहे प्याज का कलर डार्क कलर में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गोल्डन हल्का सा सुनहरा होगा, वरना अगर डार्क होगा तो आपका सालन भी जो है ना, फिर वैसे ही डार्क कलर का हो जाएगा। तो अच्छा, ये आपने मेरा ये एक बाबा आदम के ज़माने का ये चम्मच दिखाई दे रहा है ना, ये एक जादुई चम्मच है, इसकी शक्ल पे मत जाइए, इसकी सीरत बड़ी कारामत है। इसको मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि सालन में ना, जब मैं प्याज या टमाटर ऐसे डालती हूँ ना, तो ये सिर्फ जो है इसको चम्मच चलाने के काम नहीं आता, बल्कि बाद में जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो मैं प्याज को सबको कुचलने के भी काम में लाती हूँ। ये मेरी दलघुटनी टाइप समथिंग है। अब इसमें जाएगा गोश्त, तो आप समझ रहे हैं ना, ये चम्मच को ना कोई छोटी मोटी चीज़ ना समझे, ये चम्मच जो है ये मेरा चम्मच कम दलघुटनी है, लेकिन यहाँ पर प्याज घुटनी होगा और हमारा टमाटर घुटनी होगा। ये इससे क्या होता है कि मैं ज़्यादा ना प्याज को अगर ग्राइंड ना करूँ, तो ऐसे सुनहरी प्याज में इससे चम्मच चला के, और साथ के साथ ना जहाँ कोना देख के आँख बचा के, तो मैं प्याज को कुचल भी देती हूँ। अभी तो ये सुनहरा हो रहा है, इसको मैंने 5 से 10 मिनट अच्छे से भूनना है, बगैर कुछ डाले, सिर्फ गर्म मसाला और प्याज के साथ इन लोगों को इंजॉय करने दें, पार्टी शार्टी करने दें, इनकी हम भुनाई करते रहेंगे 5 से 10 मिनट तक, ये ऐसे ही भूनता रहेगा। इसमें अच्छा सा जो है प्याज भी सुनहरा साथ में होता रहेगा। और गोश्त में कोई पानी नहीं था, उसको हमने धो के छान लिया था। तो जनाब ये बकरे का गोश्त है, तो अब ये देखेंगे अच्छे से इसको हम भूनते जा रहे हैं। अब इसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच भर के अदरक, देखिए मेरा चम्मच जो है ना साइज़ में बड़ा है, ये मॉर्निंग शो वाला चम्मच लग रहा है, वैसे तो मॉर्निंग शो का कप होता है। आप 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, वैसे मेरा पेस्ट पतला भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो मुनासिब आपको लगता है, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब होना चाहिए। अदरक लहसुन ज़रा ज़्यादा जाता है क्योंकि गोश्त को गलना होता है। अब इसके अंदर नमक है, नमक थोड़ा सा रह गया था मेरे डब्बे में, यह हल्दी पाउडर है, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं जाएगी मकदार, 1/2 चम्मच जाएगी। और ये सुरख मिर्च का पाउडर है, 2 टेबलस्पून जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूँ, लौकी जो है वो मैं दोबारा दिखा दी आपको, कि मैंने पानी में अभी भी डिप करके रखी भी, निकाली नहीं है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम नमक डालेंगे, हसबे जायका, इसके ज़ख्म पे, ये बकरी की गोश्त के पे हमने नमक लगा दिया इसके ज़ख्मों पे। तो जनाब ये नमक चला गया, अब जाएगी 2 से 3 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है। उसके बाद आप डालेंगी हल्दी, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। हल्दी पाउडर ज़रा हम कम रखते हैं, वरना ना बहुत ही कुछ लोगों को हल्दी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। और इसको इस वक्त हमने बहुत ज़्यादा भून लेना है, ज़बरदस्त किस्म की इसकी भुनाई चली। देखिए ये देखिए मेरी टमाटर घुटनी और मेरी प्याज घुटनी का कमाल, जहाँ मौका मिलेगा ना आँख बचा के मैंने अच्छे से इसको कुचल देना है, ताकि इतना मोटे मोटे मुँह पे ना आए। मस्त ये प्याज है, टमाटर है, साइड साइड में भूनने के दौरान मैं देखिए जहाँ थोड़ा सा साइड करके, तो मैं प्याज को कुचल देती हूँ, तो इससे कि वो अच्छा से भूनता भी है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, वो सॉलिड भी नहीं रहता, अच्छे अच्छे आखिरी वक्त तक जब ये आखिरी मराहल पे पहुँचता है, तो वो पूरा का पूरा पेस्ट बन चुका होता है।
अच्छा जनाब, अब ये इसके अंदर टमाटर चला गया, इतना खूबसूरत कोई कलर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल रेड कलर, जबकि अभी तक मैंने टमाटर डाले भी नहीं थे। अब टमाटरों के बाद तो क्या कलर आया है माशाल्लाह से। अब इसको मज़ीद भूनते जाएंगे, 20 से 25 मिनट हमने भूनते जाना ज़बरदस्त। जिस तरह मैं हाथ चला रही हूँ ये हकीकत में नहीं चला रही हूँ, ये मैंने स्पीड अप किया है, आप लोगों को रेसिपी इसी एपिसोड में दिखानी है इसीलिए। ठीक है जी, इसको भूनते जाएं 20 मिनट के करीब, हम इसको अच्छे से भूनेंगे, इसका तेल सारा ऊपर आ जाएगा। और देखिए देखिए मेरी टमाटर घुटनी और प्याज घुटनी, जहाँ मौका मिला तो मैंने अच्छे से दबा के देखो, अब देखिए आपको सॉलिड पार्टिकल्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अच्छे से गोश्त हमारा भुना चुका है और अब जो है इसके अंदर हमने अल्लाह अल्लाह करके पानी डाल के इसको थोड़ा सा गलने के लिए हमने छोड़ा, लेकिन देखिए पहले मैं इतना भून चुकी हूँ कि पानी तेल ऊपर आ गया है। अब जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक जग भर के, तो मैंने क्योंकि बकरे का गोश्त से थोड़ा टाइम लगाएगा तो इसको मैंने ढक के रख दिया है। अब जो है हम आधे घंटे बाद चेक करेंगे क्या इसका टेक्सचर, हमने पूरा नहीं गलाना, हम 70 से 80% इसको 70 से 80% हम गलाएंगे, बाकी हमने इसको लौकी के साथ गलाना है। अब ये जनाब आप आँच देख सकते हैं थोड़ी तेज़ कर दी है, अब ये हमारा 70% के करीब गला है। ठीक है, अभी भी पूरा गला नहीं है, 70% गला है, थोड़ा हार्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है जब हम लौकी डालेंगे तो उसके साथ भी तो इसको गलना है ना, वरना आखिरी में पता लगा लौकी रुक जाएगी, नज़र आएगी, और जो गोश्त है ना वो तो बस निहारी का गोश्त बन जाएगा। ये एक एक करके हमने सारे का सारा डाल देना है लौकी। अब ये लौकी के साथ जब गलेगा तो लौकी के अंदर जो है ना ज़बरदस्त किस्म की इसकी जायका उतरेगा। वैसे भी लौकी खाना जो है वो बहुत ही मुजरब होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, रसूल अकरम सल्लम को बहुत पसंद थी लौकी, और ये आपको सुकून देती है सब्ज़ी, बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी है, गर्मियों की तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है। अब ये देखिए, अब इसको साथ साथ गलाते जाएंगे। अब ये लौकी, अभी देखिए लौकी भी अभी थोड़ी सी उसमें कसर बाकी है, अब जाके लौकी जो है वो 60-70% गली है, इसको हमने भी और टाइम देना है, तो हम इसको ढक के मज़ीद थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। इस दौरान आप बाकी चीज़ें काम करते रहें अपना। ये अदरक, ये सॉरी गरम मसाला पाउडर हमने 2 टीस्पून डाल के फिर इसको हम ढक के थोड़ी देर छोड़ेंगे, इसको और गलाएंगे। और जनाब ये ज़बरदस्त, इसकी स्मेल इतनी खूबसूरत आ, इसकी शक्ल इतनी अच्छी है, स्मेल इतनी खूबसूरत। अब इसमें हरी मिर्चें हमने डाल दी 5-6 साबत, ज़बरदस्त जनाब, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, गर्मियों में तो बहुत मज़े की लगती है, बंदा आराम से जो है इसको खा सकता है। आपने इसको ढक के रख दिया है, अभी इसको 20 मिनट और हमने देने, 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह देखिए जनाब ये क्या ज़बरदस्त तैयार हुई, तेल ऊपर उतर चुका है, लौकी पूरी गल चुकी है, गोश्त भी हमारा पूरा गल चुका है, और जो खूबसूरत इसका रंग आया, आहा, मुझे तो रंग के ही 10 में 10 नंबर मिलना चाहिए। तो ये मैंने कोई इसमें मिलावट नहीं की भाई, ये घर का सालन घर है का मसाला है, कोई पैकेट का मसाला नहीं है। अब इसको हम डिश आउट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है बंदा आलू गोश्त खाए, लौकी गोश्त भी बहुत जायके वाला होता है, इसको आप ट्राई करें इस रेसिपी को, और यकीन जाने सब लोग बहुत पसंद करेंगे। अगर तारीफ करें तो बता दीजिएगा कि कहाँ से देखी, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मर्जी नई नई ससुराल में आई है तो चलें छुपा भी दें, खैर कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे जनाब। अब हमारी यह डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जल्द ही नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।